अपने आदर्श और वसूलों की राजनीति करते हैं। देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर देश के नवनिर्माण तक कांग्रेस की जो भूमिका रही है उसी पर हम लोग चलते हैं, उसी पर करते हैं। क्यों जा रहे हैं नीतीश कुमार? मुझे नहीं मालूम कि नीतीश कुमार जा रहे हैं। भूपेंद्र जी को कितना सीट मिला, चिराग पासवान जी को कितना सीट मिला, भारतीय जनता पार्टी कितना सीट पर लड़ रहा है, ये बता दीजिए ना मुझको। ये सवाल केवल हमसे क्यों कर रहे हैं? सर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अब्जीत सिंह। बिहार में जिस तरह से राजनीतिक हलचले जो तेज हुई है, कहा जा रहा है कि फिर से बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा, जिसको लेकर सवाल किया गया बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से, तो उस पर बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ करें, पहले सुनिए उनकी बातों को। हम लोग अपनी लड़ाई लड़ते हैं, क्या कुछ हो रहा है। कांग्रेस पार्टी कभी भी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती है। हम लोग अपने आदर्श और वसूलों की राजनीति करते हैं। देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर देश के नवनिर्माण तक कांग्रेस की जो भूमिका रही है उसी पर हम लोग चलते हैं, उसी पर करते हैं। क्यों जा रहे हैं नीतीश कुमार? मुझे नहीं मालूम कि नीतीश कुमार जा रहे हैं। सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, मुझे कोई जान सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे। कल दिल्ली में भी बिहार बीजेपी के नेताओं की बैठक हुई है नीतीश जी को लेकर, तो बैठक तो चलती रहती है। मुझे लगता है अभी लोकसभा का चुनाव है तो उसको लेके सभी पार्टियां बैठक करती हैं, कसरत करती हैं, तैयारी करती हैं, सब चलते रहता है। एक सवाल है सर, नीतीश जी को इनविटेशन, हम लोग किसी भी परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार हैं। नीतीश जी आएंगे अभी चुनाव में, सर आएंगे रैली में पूर्णिया वाले। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को आमंत्रित किया है पत्र लिखकर भी, और उसके पहले 13 तारीख को इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई थी उस दिन भी सब लोगों को इस यात्रा के उद्देश्य और ध्येय के बारे में बताया था और आमंत्रित किया था। आप लोग अगर चाहते हैं तो मेरे पास आमंत्रण वाला पत्र मेरे फ़ोन में है, आप चाहें तो हम लोग दे सकते हैं। तो आपकी क्या बात हुई थी, आखिर नीतीश कुमार ने इनकार क्यों कर दिया? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो कहा गया था कि उन्होंने सहमति दे दी है, तो फिर नीतीश कुमार ने इनकार क्यों किया? किसने? मैंने तो ऐसा कभी किसी को कुछ कहा नहीं, नहीं बाकी कौन नहीं यही कहा होगा, उनका कहने का ध्येय होगा कि हम लोगों ने आमंत्रित किया है सबको। बाकी अब हम आपको अपने आप कोई फंक्शन करें आपको हम आमंत्रण देंगे, यही तो मेरा अधिकार क्षेत्र है, आना नहीं आना वो उन्होंने कहा था कि इसी पार्टी के हेडक्वार्टर, तो इसका निश्चित उत्तर वही देंगे। हमसे हम जितनी बात करते हैं और जितनी जानकारी रहती है मैं तो वही कहूँगा। लेकिन क्या लगता है सर, अगर नीतीश जी नहीं आते हैं तो एक साफ मैसेज हो जाएगा कि वो अब इंडिया गठबंधन में नहीं रहना चाहते हैं? अभी हेतु मध्य भूत वाला कहानी मैं नहीं कहूँगा। जो बीजेपी का क्लियर हो गया क्या? उपेंद्र जी को कितना सीट मिला, चिराग पासवान जी को कितना सीट मिला, भारतीय जनता पार्टी कितना सीट पर लड़ रहा है, ये बता दीजिए ना मुझको। ये सवाल केवल हमसे क्यों कर रहे हैं? सर, ये देरी ही उनके बाहर हटने का एक आधार हो सकता है, यानी ठीक कांग्रेस पर फूटेगा। तो हमको लगता है कि मुझसे ज्यादा जानकारी आपको है, तो जो आपको जानकारी है उसको कहिए, चलाइए। तो आप बताइए ना, मुझे नई जानकारी है। मैं आपको अंत तक यही कहूंगा कि जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता है उस पर हम लोग कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लेकिन जो दिख रहा है आज नीतीश जी इंडिया गठबंधन में हैं, इंडिया गठबंधन के सहयोग से बिहार की सरकार चल रही है, वाम दल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के सहयोग से बिहार की सरकार चल रही है जिसके मुखिया आदरणीय नीतीश जी। अच्छा, रैली में नहीं जाने की वजह बता दीजिए, क्यों? मुझे नहीं मालूम कि नहीं जा रहे हैं, ये भी आपका ये सवाल है, आपका ये उत्तर है, आपकी जानकारी में जा रहे हैं भाई। मैं हम लोग ने आमंत्रण दिया है, हमको कोई पत्र लिखेंगे, नहीं आने का वजह बताएंगे या आ जाएंगे। आने की बात भी कही उन्होंने, आने की बात भी कही आपसे? अभी कोई पत्र तो उनका आया नहीं, खड़गे साहब ने पत्र लिखा है उनको, उसका कोई जवाब आए तब तो मैं कुछ कहने की स्थिति में हूँ। कहना है जेडीयू के नेताओं ने कैमरे पे कहा, नेताओं का क्या मतलब है? नीतीश जी को चिट्ठी गई है, नेताओं को चिट्ठी गई नहीं है। रैली कांग्रेस की है, इंडिया गठबंधन की नहीं है, इसलिए उस पार्टी की रैली में वो क्यों जाए?
वो क्यों जाए जेडीयू के नीतीश कुमार आखिर कांग्रेस की रैली में क्यों जाए? सब इस तरह की बात, इस तरह का बात करना, जो भी नेता इस तरह की बात करते हैं, उन्होंने वो जब कोई फंक्शन करते हैं हमको बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ। यहीं पिछले बार इफ्तार का आयोजन हमने किया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनको आमंत्रण दिया था, वो आए थे। तो ये क्या बात हो रही है, मुझे समझ में नहीं आता। वो क्या जनता दल यू का यहाँ आयोजन था? इफ्तार अलग चीज है, राजनीतिक रैली अलग चीज है। तो हम अभी लालू जी को बुलाए थे श्री बाबू का जयंती पर, तो अब इस तरह की बात, अब क्या नीतीश कुमार के संपर्क में हैं आप लोग? सर बातचीत होती है जिस तरह पहले से हो, तो नीतीश जी से बात क्यों नहीं होगी? संपर्क में है, पिछले चार दिनों में बातचीत हुई है आपने? हम चार दिनों में तो मैं था पूर्णिया, कटिहार, अररिया, वहाँ अपना यात्रा का तैयारी में हम लोग लगे हैं, रात को आए हैं यार किसी तरह से। चर्चा अखिलेश जी ये भी हो रही है कि जेडीयू की कोशिश है कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की, क्या ऐसी खबर आता है? कांग्रेस की विधायकों की तोड़ने की कोशिश पहले भी कई बार हुई, कांग्रेस पार्टी कभी टूटती नहीं है, बहुत कोशिश हुई थी इसके पहले भी। एक आध MLC चला गया था, एक MLA नहीं गया था, आपको भी याद रखना चाहिए। सर पूरा कांग्रेस आपके नेतृत्व में, कांग्रेस इंटैक्ट है? किसी भी पार्टी से ज्यादा इंटैक्ट है कांग्रेस का विचारधारा और कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस हर परिस्थिति के लिए अभी तैयार है, जो हालात दिख रहे हैं हर परिस्थिति के लिए आप लोग तैयार हैं? अभी चुनाव की भी चर्चा हो रही है कि विधानसभा चुनाव भी साथ हो सकते हैं। ये कोई 2-4-10 साल की पार्टी है क्या? आप जब पैदा नहीं हुए थे उसके पहले की पार्टी है, आपके पिताजी आपके ग्रैंडफादर होंगे उस समय की पार्टी है। नहीं, ये चर्चाएं चल रही है, चर्चाएं, चर्चा का बाजार आप गर्म करते रहिए, ये आपका पैसा है। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लोग अपना उसूलों से और अपने जो संविधान से समझौता नहीं करते हैं, और जिस तरह से जो सत्ता परिवर्तन को बात कही जा रही है उस पर क्या कुछ कहा अखिलेश प्रसाद सिंह ने आपने सुना ऐसा? और वहीं जिस तरह से कहा जाए कि जो राहुल गांधी की पूर्णिया में रैली होने वाले उसमें भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाने की बात कही जा रही है, और कही जा रही है अब कि वो नहीं जाएंगे, इसको लेकर भी क्या कुछ कह रहे थे अखिलेश प्रसाद सिंह ने आपने सुना? इस तमाम खबर न्यूज़ पर नमस्कार।